बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ शगुफ्ता एंड मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू CSS फर्स्ट क्लास, सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, लुक हियर, CSS स्टैंड फॉर कैस्केड स्टाइल शीट। देखिए CSS क्या होता है, देखिए जैसे कि अगर मैं आपको एक वेबसाइट की मिसाल दूं, तो आई वुड लाइक टू गिव एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो स्केलेटन होता है उसके बगैर तो बॉडी नहीं बनती ना, तो इसी तरह हमारी जो वेबसाइट होती है उसका स्केलेटन, उसका जो ढांचा होता है वो होता है HTML। और जिस तरह से हमारी जो ये ह्यूमन बॉडी है इसमें जो हमारी स्किन है ये इससे हमारी खूबसूरती है, मतलब स्किन के बगैर तो एक इंसान ढांचा ही कहलाएगा ना, इसी तरह हमारी जो वेबसाइट की खूबसूरती है जैसे कि चार चांद लगाना कहेंगे वो किससे है, CSS से है, और जावा स्क्रिप्ट उसका दिमाग है। तो अगर आपको अपना एक ही लाइन में मज़ीद टैग अप्लाई करने हैं और अपनी वेबसाइट को मज़ीद खूबसूरत, अट्रैक्टिव, टेम्पटिंग बनाना है तो आप फिर CSS का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, सो हेयर आई हैव डिफाइंड कुछ एडवांटेजेस हैं इसके कि इट सेव्स टाइम, पेज फास्ट लोडिंग, इजी मेंटेनेंस, ये सारे इसके मल्टीपल कॉम्पेटिबिलिटी, ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड। ठीक है जी, सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू यूज़ द CSS स्टैंड फॉर्मेट। यू कैन यूज़ CSS फ्रॉम थ्री वेज, इनलाइन स्टाइल, एम्बेडेड स्टाइल और एक्सटर्नल स्टाइल। ठीक है जी, ये तीन मेथड हैं इसको यूज़ करने के, इनलाइन स्टाइल, एम्बेडेड और एक्सटर्नल स्टाइल। फर्स्ट आई वुड लाइक टू गिव इनलाइन स्टाइल एग्जाम्पल। ठीक है जी, तो इनलाइन स्टाइल आज मैं आपको समझाना पसंद करूँगी। सबसे पहले हम CSS में इसका फर्स्ट स्टाइल इनलाइन पढ़ेंगे। अब इनलाइन में जो आज हम कमांड लगाएंगे वो ये वाली कमांड लगाएंगे। ठीक है जी, अब देखिए मैं इसको जो आपको लगाना बताऊंगी, आई विल टीच यू CSS इन ड्रीमवीवर। देखिए ड्रीमवीवर हो या सबलाइम हो या विजुअल कोड एडिटर हो, कोई सा भी जो है कोड एडिटर पर आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं। रिजल्ट इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ही आएगा। ठीक है जी, तो ये ड्रीमवीवर मैंने सिंपल ओपन किया हुआ है, उसमें व्यू में गई, कोड ओपन किया। अच्छा, जब हम CSS में इनलाइन पर वर्क करते हैं तो वो हमेशा बॉडी के नीचे होता है। ठीक है जी, अब ये बॉडी के नीचे मैंने इंटर किया, ये आई वुड लाइक टू रिपीट के मैंने जो है व्यूअर पर स्टार्ट किया है, व्यू मेन्यू में जाकर कोड क्लिक कर दिया क्योंकि कोड पर वर्क हो रहा है। इनलाइन पे वर्क हमेशा बॉडी के नीचे होता है, जैसे कि मैं अगर हेडिंग वन पर काम करना चाह रही हूँ तो यहाँ हमने H1 लिखा और टैग क्लोज किया, फिर स्लैश के साथ हेडिंग 1 क्लोज की। आप इसको हेडिंग 5 से 6 पर किसी पे भी दे दें, पैराग्राफ पे दे दें। ठीक है, अब आपको क्या बताया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप एक ही लाइन में टैग पर मज़ीद वर्क करना चाह रहे हैं। H1 में ही दोबारा गए हम, देखिए साथ साथ इसको यहाँ बंद भी कर दिया। ठीक है, H1 में ही दोबारा गए और कंट्रोल स्पेस मैंने कीबोर्ड से किया या सिर्फ स्पेस बार कर दें, देखें एग्जांपल्स मतलब किसकी हेल्प आ रही है। आप S दबा दें सबसे पहले स्टाइल आएगा, और इसमें F दबाएं तो उसमें देखिए मैंने जो अभी आपको आज कमांड्स थी उसमें राइटिंग स्टाइल आ रहा था। हमने फॉन्ट फैमिली क्लिक किया, अभी देखें डिफरेंट टाइप्स की राइटिंग स्टाइल है, वो यू वांट टू अप्लाई, जो आपको चाहिए वो आप डबल क्लिक करें, ये देखिए आ गया ये। अब एक
दूसरा आप कमांड यानी कि दूसरे इसमें स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सेमी कॉलन, ये देखें कीबोर्ड पे निशान होता है ये सेमी कॉलन का, आप यहाँ सेमी कॉलन लगाएं और स्पेस क्लिक करें। देखें तो मज़ीद आगे आप देते जाइए। फिर मैंने F प्रेस किया, फॉन्ट साइज़ आ गया, यहाँ से आप फॉन्ट साइज़ दे सकते हैं, ठीक है जी। फिर सेमी कॉलन स्पेस दिया, फिर F प्रेस किया, सबसे पहले शुरू में हमने स्टाइल प्रेस किया था, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट स्टाइल में देखें ये इटैलिक, बोल्ड, नॉर्मल, जैसा आप अप्लाई करना चाहें। मैंने इटैलिक पे डबल क्लिक किया, सेमी कॉलन स्पेस दी मैंने, अच्छा फिर F प्रेस किया, फॉन्ट वेरिएंट, यानी ये स्मॉल कैपिटल काम आपको किस में करना है, फॉन्ट वेरिएंट में। तो मैंने ये इनहेरिट ले लिया, इसमें स्मॉल कैपिटल के भी ऑप्शन आ रहे हैं, सेमी कॉलन, फिर स्पेस दी मैंने, स्पेस बार क्लिक करेंगे मज़ीद आगे बढ़ेगा सेमी कॉलन के बाद, और ये आपको हेल्प देता रहेगा। एफ़ प्रेस किया मैंने, फॉन्ट वेट मतलब कि फॉन्ट की थिकनेस करनी है आपको, मैंने 600 कर दी सेमी कॉलन। अच्छा इसके अलावा और कमांड है एक, अगर आपको कलर भी अप्लाई करना है तो स्पेस दी आपने, सी दबाया सिर्फ, तो ये कलर आ गया, डबल क्लिक किया, आप कलर जैसा भी अप्लाई करना है, ठीक है जी। अब इसकी सेमी कॉलन से बंद कर दिया ऐसे। अब हम टैग के बाहर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन HTML, अब आपको HTML इससे पहले मैंने डिफाइन किया तो उसमें बताया है कि जब भी कोई टैग लगाते हैं वो कमांड के, मतलब कि सॉरी, जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो कमांड के बाहर लगाते हैं और वो किसी टैग के अंदर नहीं होती, सिंपल लिखते हैं। तो अब ये जो हमने एक ही लाइन में मज़ीद टैग अप्लाई किए हैं हेडिंग 1 में, इसके सेंटर में मैंने ये हेडिंग यहाँ लिखनी है, जो भी आपको लिखना है। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। इसी तरह अगर आप पैराग्राफ पे भी अप्लाई करना चाहें, जैसे कि मैंने, अगर आप हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 पर अप्लाई करना चाहें, सो एज यू विश यू कैन अप्लाई। मैंने एक और टैग ओपन किया पी यानी पैराग्राफ का, और स्लैश के साथ बंद कर दिया, वही कमांड जो आज हमें लगानी है वो दोबारा लगाएंगे। स्पेस दिया मैंने, एस प्रेस किया, तो ये स्टाइल आ गया, डबल क्लिक करें, फॉन्ट फैमिली, राइटिंग स्टाइल दे दिया मैंने, और सेमी कॉलन स्पेस, फॉन्ट साइज दे दिया, साइज बड़ा छोटा करना है, डबल क्लिक, सेमी कॉलन F, ये और भी ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, स्ट्रेच है, स्टाइल है, मैंने खास खास बताएं आपको, जो वो यू डू नॉर्मली यूज़, गेट नॉर्मली यूज़ इन योर डेली वर्क, जो आप अपने डेली वर्क में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। फॉन्ट स्टाइल दे दिया, इटैलिक दे दिया, इटैलिक हो जाए यानी कि तिरछा हो जाए आपका काम, फिर स्पेस फॉन्ट, फॉन्ट वेट, सेमी कॉलन, वेरिएंट स्मॉल कर दिया, स्मॉल में तो खैर ये पहले ही है, ठीक है जी, और स्पेस दिया, कलर दे दिया, सेमी कॉलन। अब लास्ट वाले में अगर सेमी कॉलन ना लगाएं तो कोई बात नहीं, बिकॉज़ यू आर गोइंग टू क्लोज, क्योंकि जब आप क्लोज करने वाले हैं तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेमी कॉलन या कॉमा वहाँ लगाते हैं जहाँ बात आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इसके दरमियान हम लिखते हैं जो हम टेक्स्ट या पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं,
ब्रांड का फार्मूला कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ ये टैग के बाहर। अब आप कोई भी जो पैराग्राफ की सूरत में देना चाह रहे हैं तो आप ये दे सकते हैं। अब मैंने इसका रिजल्ट देखा यहाँ लाइव। ये देखिए ये हेडिंग पर आ गया और ये जो हमने पैराग्राफ पर स्टाइल दिया था वो आ गया। ठीक है जी, अगर कलर हम चेंज करना चाहें तो कलर यहाँ से चेंज भी हो सकता है, या ना देना चाहें पैराग्राफ पे कलर तो एज यू विश आप ना दें। मैं दे रही हूँ कलर, मैं कलर में गई सी दबाया अगेन, ये डार्क ब्लू दे दिया ये वाला। ठीक है जी, सेमी कॉलर लगाया, हमारा लाइव रिजल्ट देखा। ठीक है, मैंने डार्क ब्लू दे दिया। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिमेम्बर मी इन योर प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।